बैटर ऑफ द डे जैसन रॉय है, क्योंकि अब मैच जीत गई है टीम जाहिर है, तो ये सेंचुरी की दिखा भी दे रहा शॉट। जॉयस भाई, शॉट्स पर अगर आप जाहिर है अपनी राय भी देते रहे, कौन सा शॉट कितना पसंद आ रहा है आपको, कैसा था ये देखिए खड़े खड़े। बिल्कुल विकेट बहुत अच्छी मिल रही है, मैं आपको बताऊं ये सबसे बड़ा जो प्लेयर के लिए है, आप अच्छे प्लेयर हैं ठीक है, और आपको आप डिफेंड कर और ऐसी विकेट आपको मिले तो आप छोड़ेंगे। अभी आप विव को खिला लें, जिसको खिला लें, ये विकेट पे कोई आउट ही नहीं होता। जबरदस्त छक्के देखे आप। वनडे की विकेट ऐसी होनी चाहिए, बॉलर के लिए नहीं बैटिंग के लिए ज्यादा होती है, ताकि रन पे रन जीतो, ताकि लोग आते हैं बेचारे इतने दूर से आते हैं, अपना टाइम वे के अच्छा उनको एंटरटेनमेंट तो मिले ना। बट इट वाज अ गुड मैच, वो तो नहीं था वन साइडेड, तो नहीं था पिछले दो मैचेस वन साइडेड। अगर आप विकेट कोई ग्रासी और ये हो ना तो उसमें रन नहीं होंगे, हो सकता है 40वें विकेट टीम आउट हो जाए। तो स्पेक्टेटर आते हैं वनडे में देखने के लिए, पूरा दिन एंजॉय करने के लिए आते हैं, और वो अगर जल्दी खत्म हो जाए तो जल्दी खत्म होंगे तो बेचारे लंच लेके आए उन्होंने कहा पहले खा लेते उसके बाद जाएंगे। तैयारी कर ली लेट ज्वाइन किया, उसका फायदा हुआ देखें, शुरू के मैचेस तो हार गए थे लेकिन आज जेसन रॉय का पहला मैच और विंस का दूसरा मैच था, और देखें मैच करते हैं ना फर्क पड़ते हैं, एक आपको बड़ा प्लेयर जो है आपके पास आए बिल्कुल और बोले तो लाजिम है आप क्रिकेटर ही हैं, मगर आपका दिल मोमेंटम मिल सकता है, आहिस्ता आहिस्ता कोयटा ऊपर आ सकता है, क्योंकि अभी नंबर 5 पे है पॉइंट्स टेबल पे, ये दो पॉइंट्स तो इसमें मैं बड़ा इजी कहता हूँ सबको, जैसे आपकी टीम आप सारे मैच जीते जीतने के ऊपर जाए, अगर 7 हैं तो 6 की जीत का खत्म हो गया। तो मेन चीज़ होती है कि जितने भी अभी ये पूल में हैं इनकी सारी मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि हम क्वार्टर फाइनल में पहुँचें। अब क्वार्टर फाइनल में जीत पहुँचने के लिए आपको कितनी विंस चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ये कैलकुलेशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।